हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो वायरिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, अब हम देखेंगे कि सीरीज की वायरिंग के क्या डिसएडवांटेज हैं और रिंग सिस्टम वायरिंग के क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग। अब इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे हाउसेज में वायरिंग के टू सिस्टम हैं, एक को हम ट्री सिस्टम बोलते हैं, एक को रिंग सिस्टम बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ट्री सिस्टम के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। तो पहले हम एडवांटेज की बात करें या इसके फीचर्स क्या हैं। तो चाहे आप फीचर्स कहो चाहे आप एडवांटेज कहो, दोनों एक ही बातें हैं। आइए देखें, डिफरेंट सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट If there is a short circuiting in one distribution circuit, its fuse will blow up without affecting the supply to the other system. Means tree system में सारे जो connections होते हैं वो parallel में होते हैं, इसलिए अगर किसी एक branch का किसी एक branch में short circuiting हो गई, उसका fuse blow up हो गया, तो उस branch को छोड़ करके बाकी other branch के अदर रूम के अप्लायंसेज वर्क करते रहते हैं, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कहने का मकसद ये हुआ कि सारे अप्लायंसेज इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। सेकंड पॉइंट है, द न्यूट्रल वायर एंड द अर्थ वायर आर कॉमन टू ऑल द सर्किट। इस ट्री सिस्टम में जितने भी सर्किट होते हैं उसमें न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर सारे अप्लायंसेज के लिए, सारे सर्किट के लिए कॉमन होता है, एक ही होता है। ओके, और ये दोनों जीरो पोटेंशियल पर होते हैं। ऑल द अप्लायंसेज आर ऑपरेटेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट दे वर्क एट द सेम वोल्टेज। सारे के सारे अप्लायंसेज पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो दो बेनिफिट होता है, सबको सेम सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट मिलता है और सब इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं एक दूसरे से। सारे अप्लायंसेज पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, इसलिए सबको सेम सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट मिलता है और सब अप्लायंसेज इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। द कनेक्शंस फ्रॉम द लाइव वायर इज टेकन टू वन टर्मिनल ऑफ द अप्लायंसेज बाय स्विच, यस द अदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल वायर टू कंप्लीट द सर्किट। मीन्स किसी भी अप्लायंसेज के दो टर्मिनल होते हैं, तो एक तो लाइव वायर से कनेक्ट किया जाता है, दूसरा न्यूट्रल वायर से कनेक्ट किया जाता है और वो अप्लायंसेज का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब बात ये आती है कि इस ट्री सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक क्या है, कमियां क्या है इसकी। आइए देखें हम इसके डिसएडवांटेज क्या है। सिंस ऑल सर्किट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, लॉन्गर लेंथ ऑफ वायर इज रिक्वायर्ड फॉर वायरिंग वेरियस रूम एंड अदर प्लेसेज इन द हाउस। सब अप्लायंसेज के लिए हमें वायरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ती है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, इसलिए सबके लिए लंबा वायर की जरूरत पड़ती है और वायर की लेंथ बढ़ जाती है और ये एक्सपेंसिव हो जाती है वायरिंग। सेकेंड, व्हेन अ फ्यूज इन वन पर्टिकुलर लाइन ब्लोज अप ऑल द अप्लायंसेज इन दैट लाइन्स आर डिसकनेक्टेड। एक लाइन में जितने भी अप्लायंसेज कनेक्ट होंगे उसमें जो फ्यूज लगा है अगर वो ब्लो अप हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर लाइन में जितने अप्लायंसेज होंगे वो डिसकनेक्ट हो जाएंगे, वो वर्क करना बंद कर देंगे। प्लग्स एंड सॉकेट्स ऑफ डिफरेंट करंट कैपेसिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट अप्लायंसेज डिपेंडिंग अपॉन देयर वोल्टेज। अलग अलग अप्लायंसेज के लिए, फ्रिज के लिए, एसी के लिए, क्यू कूलर के लिए, फैन के लिए अलग अलग करंट रेटिंग, अलग अलग वाटेज के हमें प्लग्स और सॉकेट की जरूरत पड़ती है। वो डिपेंड करेगा वो कितने वाट के अप्लायंसेज हैं। ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज लेंथ ऑफ वायर इट इज एन एक्सपेंसिव, वायर की लंबी लेंथ की वजह से ये एक एक्सपेंसिव वायरिंग सिस्टम कहलाता है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बी इंस्टॉल्ड, इसको इंस्टॉलिंग करने में ज़्यादा समय लगता है ट्री सिस्टम को। और जो ये डिसएडवांटेज आपके ट्री सिस्टम में हैं यही रिंग सिस्टम में नहीं होते हैं। ऑल दीज डिसएडवांटेज आर नॉट प्रेजेंट इन द रिंग सिस्टम,
रिंग सिस्टम में ये जो ट्री सिस्टम के डिसएडवांटेज हैं ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, अब हम देखें कि सारे अप्लायंसेज हम अपने घरों में सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों पैरेलल में करते हैं, क्यों सीरीज में नहीं करते हैं, उसका क्या रीजन है, आइए देखें। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल इज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस अप्लायंसेज इन द सर्किट अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। सिंस द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द अप्लायंसेज इज द सेम, दस ईच अप्लायंसेज विल नॉट गेट द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस पार्ट इज ऑपरेट प्रॉपरली। मीन्स जो सीरीज ऑर्डर में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो सब में करंट तो सेम जाती है सीरीज में, लेकिन पोटेंशियल उनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है। तो जो 220 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज होगा वो सब अप्लायंसेज में डिवाइड हो जाएगा, और सब अप्लायंसेज को जितना उन्हें रिक्वायर्ड वोल्टेज चाहिए उतना नहीं मिल जाएगा, मिल पाएगा तो वो प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे सबको, क्योंकि सबको रिक्वायर्ड वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। सेकंड, इफ वन ऑफ द अप्लायंसेज इज आउट ऑफ ऑर्डर ऑल अदर अप्लायंसेज विल नॉट वर्क। अगर मान लीजिए कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी जितने उस सर्किट में है सब जो है वर्क करना बंद कर देंगे, ऐसा लगेगा पूरा सर्किट डिसकनेक्ट हो गया। सीरीज में एक ही ये प्रॉब्लम होती है, और क्या प्रॉब्लम होती है सीरीज में, आइए और हम देखते हैं कि और सीरीज में कनेक्ट करने के हमारे क्या डिसएडवांटेज होंगे, ये भी हम लोग देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं।